वाराणसी में लापता बच्चियों के लिए परिजनों का धरना। पीड़ित परिवार से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिंदू धर्म में कमी बताकर कराया जा रहा था धर्मांतरण, आजमगढ़ पुलिस ने 16 आरोपियों को लिया हिरासत में। धर्मस्थलों पर फिर लगाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर, इन्हें तुरंत हटाओ, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। आगरा में पुलिस ने टॉयलेट में जलाया भाजपा का होर्डिंग, लगी थी पीएम और सीएम की फोटो। धर्मांतरण का हैरान करने वाला मामला, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का किया जा रहा था प्रयास, डेढ़ दर्जन हुए गिरफ्तार। पुलिस ने काटा चालान तो चौकी पर भाजपाइयों का धरना, बिना हेलमेट बाइक चला रहा था बीजेपी बूथ अध्यक्ष, भाजपाई बोले बर्खास्त हो चौकी इंचार्ज। लखीमपुर खीरी में लव जिहाद का मामला, यूनुस ने राकेश बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, शादी और बच्चा होने के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर को बंद हो, गिरिराज सिंह बोले योगी ने सभी धर्म के लिए फैसला लिया, मुस्लिम क्यों कर रहे हैं विरोध। रायबरेली में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक का अचानक फटा टायर, हालत हुई गंभीर। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, महिला कांस्टेबल समेत दो की मौत, 120 किलोमीटर की स्पीड ड्राइवर ने लगाए ब्रेक। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुरखा पहन बाइक से जा रही लड़कियों से बदसलूकी, आरोपियों ने मांगा आधार कार्ड, चार आरोपी हुए गिरफ्तार। बांदा में जयमाल के बाद महिला पर जानलेवा हमला, कहा लड़की विदा हो जाए फिर तुम्हें मार देंगे, लोग इकट्ठा होने पर भागे आरोपी। गाजीपुर में हाईवे पर लूट करने वाले दो सातिर गिरफ्तार, कई वारदातों का खुलासा, लूट गई बाइक और रुपए भी हुए बरामद। खत्म हो गया इंतजार, आज खुद सामने आने वाली है अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता प्रवीण। कानपुर में आंधी, आज 20 शहरों में बरसात का येलो और 17 में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। होटल के कमरे में युवक संघ रुकी युवती, मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने जबरन गेट खुलवाया की बदसलूकी। मथुरा कोर्ट में हिंदुओं को शाही ईदगाह परिसर में पूजा की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका हुई दायर। बरेली और आसपास के जिलों में आज से बारिश, अगले चार दिनों में 62 मिलीमीटर बारिश का अलर्ट, बादल छाने से तापमान में भी गिरावट। ये रंग हिंदुओं का है, भगवा कलर का कुर्ता पहन मस्जिद में नमाज अदा करने गए शख्स पर भड़के इमाम। गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में चल रहा था सेक्स रैकेट, 100 युवक युवतियां हिरासत में आई।